हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में मांगे हैं अपने पास, दो लेक्चर अपने हो चुके हैं। लेक्चर है आज अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर रखा था अपन ने, जैसे कि आप सब वेरी वेल जानते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सेकेंड वीडियो के अंदर थोड़ी ऑडियो डिस्टर्ब थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और रिव्यू का जैसे मैं बोल रहा था आप लोगों को, रिव्यू आपके अच्छे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बड़े अच्छी बात है। सेकेंडरी अब ये कर रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे अब थोड़ी बहुत, लाइव क्लासेस, जिसके अंदर बच्चे डाउट पूछ सके। तो फ्राइडे एंड सैटरडे को शायद अपने जो सब्सक्राइब जो बंदे हैं अपने जो रेगुलर टच में हैं, कुछ लोग तो मजे में देखते हैं वीडियो में जा रहा हूँ, पर जैसे भी जो भी थोड़ा देख रहे हैं अच्छे से, उनके लिए लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट करने का सोच रहे हैं, जिसमें आप अपने डाउट अपन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या डाउट है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज पूछ रहा हूँ, मैं आपको आपके अपने फोन नंबर दे दूँ, आपके व्हाट्सअप पे मेरे से जुड़ सकते हैं किसी क्वेश्चन के थ्रू। तो मैं आपको फिलहाल लॉकडाउन में फ्री बैठा हूँ, हो चुका है लॉक ऑफ, लेकिन मैं घर पे, तो मैं बिल्कुल आपके जवाब दे दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, और जैसा कि हम सब जानते हैं जो जुड़े हुए हैं फ्राइडे टाइम से, 8 बजे के बाद अगर प्ले ना करें मेरे को, ठीक है, 8 बजे के बाद आपको फिर इस जगह कुछ भाई होकर भी जा सकते हैं, तो वो नहीं करना है अपने को ना। तो 8 बजे से पहले पहले जो भी आप मेरे को डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अपना जो चार्जेस के बीच में जो मीडियम आएगा वो ड्यू टू चार्ज थोड़ा आयोनाइज हो सकता है, इस कारण से दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स डिस्टर्ब हो सकती है। ये हर मीडियम का अलग अलग होता है। तो जैसे हम लाइट चैप्टर को पढ़ते समय लाइट के लिए अलग अलग मीडियम को डिस्क्राइब करने के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम हर मीडियम को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम उसको इजीली अपने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर सकें। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई अपने पास में कि किस तरीके से लगने वाली फोर्स अफेक्ट करेगी, उनके स्ट्रेंथ उनके मैग्नीट्यूड पर किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है वो अपन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अपन आज टॉपिक पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करने के लिए और वैक्यूम एक स्टैंडर्ड है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो बॉर्डर को लेकर स्टैंडर्ड चलते हैं, तो अपने डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए स्टैंडर्ड को अपन वैक्यूम से काउंट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू, सो एफ नॉट डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है डिवाइडेड बाय क्यू वन क्यू टू 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 r जो कट रहा है पार्ट सभी कट रहा है, ठीक है, ओके, then epsilon naught
परमेबिलिटी ध्यान से देखना, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो होगा इसे हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देंगे एप्सिलॉन आर, और जिसे कई बार आप लोग सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक्स में कापा के नाम से भी सुनेंगे, के ये जैसा होता है देखने में इस तरीके का कापा, इस तरीके से भी इसको डिनोट हम करते हैं एप्सिलॉन और कापा से दोनों से इसको एक्सपेंड करेंगे। उसके दो डेफिनेशन हो जाएंगे जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड का कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो इट इज अ रेशियो आप फोर्सेस में बोल सकते हैं और परमेबिलिटी में दोनों मार्क्स के रेशियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट्स के अंदर जो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उसके अंदर आपको मिल जाएगी डेफिनेशंस। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डेफिनेशंस को कोई लिखवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ शुद्ध हिंदी के अंदर और थोड़ी बहुत मिक्सिंग करके आपको जैसे समझ में आ गया चीजें को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल आपके चीजों के दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाए। बाकी नोट्स होना ऑफलाइन क्लासेस के अंदर शॉर्ट नोट्स चलाएंगे अपन लोग, अपन इसे इसको समझेंगे कि लिखना है पेपर में, फिलहाल आप फील करें टॉपिक को किस तरीके से आप इसको फील कर सकते हैं। एफ नॉट अपॉन एफ अपने पास हो जाएगा द डायरेक्ट कांस्टेंट। जब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स याद करने की बात करेंगे कि किस इसको कर सकते हैं, तो एग्जांपल पे बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल कर लेना किसका, वैक्यूम का। वैक्यूम का साफ साफ दिख रहा है कितना आने वाला आंसर वन, सबको पता है ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल एयर करूंगा तो एयर की औसत की 1.0052 जिसको नियरली इक्वल टू 1 करते हैं, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी क्वेश्चन वैक्यूम से रिलेटेड है या एयर से रिलेटेड है दोनों एक जैसे करते हैं सॉल्व, उनमें कोई फर्क नहीं आता, हम एयर और वैक्यूम को एक ही मान के चलते हैं। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं, तो जो वाटर होता है उसकी होती है डायरेक्टली कॉन्स्टेंट के टी। मुझे ज्यादा नहीं पता केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन केमिस्ट्री में कई बार ये बात सुन होगी कि वाटर हैज हाईएस्ट डायरेक्ट्रिक वैल्यू, तो जो डायरेक्ट्रिक वो पढ़ते थे वही हम भी पढ़ेंगे। वाटर की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर होती है, हर किसी चीज को घोल लेती है गंगा मैया ठीक है, कुछ भी डालते हो सब डिजेस्ट कर लेती है, पता है जब देने आती है जितना सीखा है उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। जैसे आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपका एक डायरेक्ट्रिक वाला टॉपिक नेक्स्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक का अपने टॉपिक में चलिए कि डायरेक्ट्रिक क्या होता है आपके पास, सारा टॉपिक खत्म है आपके पास। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं जिससे आपका बेस बहुत अच्छा बन सके, इलेक्ट्रिसिटी का फंसे ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन थोड़े छोटे चीजें हैं लेकिन वही छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके नेचर के बारे में, नंबर वन नेचर। जैसा कि सबको पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सा प्रकृति का नियम है। कुछ लोग इस प्रकृति के नियम को चैलेंज भी कर रहे हैं आजकल अलग अलग तरीकों से, लेकिन अपन नहीं मानते चीजों को तो अपन देखें तो अपन बोल सकते हैं कि इस चार्जेस का क्या नेचर होता है, हमारे को फिजिक्स कह जाती है, फिजिक्स की नेचर कह जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में रहने वाली फोर्स के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें ये चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं रिपेल भी कर सकते हैं। इसी कंडीशन जो बन रही है वो या तो बन रही है अट्रैक्शन की या बन रही है रिपल्शन की। तो इसको हम नेचर के हिसाब से किस तरीके से बांट सकते हैं, हम जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव पॉजिटिव आल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो हमने इसी कंडीशन डाली कि व्हेनेवर q1 q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये मैं रिपल्शन में बोल रहा था, इसमें ये रिपल्शन हो जाएगा, q1 q2 का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इन दैट कंडीशन को हमेशा ये क्या करेगा ग्रेटर। एंड व्हेन q1 q2 का प्रोडक्ट जीरो से छोटा होगा यानी नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो हमेशा फोर्स को करेगा। तो ये नेचर है जिसका आप समझ सकते हैं कि कब हम अट्रैक्टिव और कब हम रिपल्शन का बात कर सकते हैं। नंबर रेंज, इसकी रेंज क्या होती है, रेंज से क्या मतलब है। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था ये फंडामेंटल फोर्सेस है और अगर फंडामेंटल फोर्सेस है तो इसके कुछ कायदे कानून होंगे। ये तो है नहीं कि मैं अर्थ और सन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने लग जाऊं
चार्ज तो है ना, मैटर है, आपने बोला चार्ज है तो लगा लेते हो। तो हम इसको किसी पर्टिकुलर रेंज में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जो रेंज होती है वो एटम के रेंज के बराबर होती है, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस में ज्यादातर काम आता है। तो 10^-10 और से लेकर हम इसको 10^-15 यानी कि न्यूक्लियस के साइज तक की रेंज में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का बोलबाला हो जाता है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कामयाब नहीं रहती, तो उस पर ज्यादा अपन बातचीत ना करते हुए सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं कि आउटसाइड द न्यूक्लियस ये फोर्स काम करती है, ठीक है। और इसका जो कंपैरिजन कर लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर, देखो मैं टॉपिक चेंज करना चाह रहा हूं, तो कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा, तो आप जान सकते हैं मैं सिंपल भाषा में आपको बोल रहा हूं, जो ग्रेविटेशनल था उसका जो कांस्टेंट था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 × 10^-11, इसका कांस्टेंट 9 × 10^9, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर कहीं पे कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे, दो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है, मास भी होगा चार्ज भी होगा, दो प्रोटॉन्स है सेपरेटेड इन बिटवीन सम डिस्टेंस, बताओ ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी? तो अपने सिंपल सा जवाब दे देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, लगभग 10^36 के लमसम ज्यादा होती है, तो आपके दिमाग में ये बात भी हो जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही छोटी सी बात है पर बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट स्किप करवा देती है दिमाग से, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ऐसी फोर्स तो जो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगती है, यानी चार्ज स्टैटिक होने जरूरी है, चार्ज स्टैटिक होंगे तभी हम इस फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आ गया, तो सर कल को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की फोर्स की बात होगी, इंटर एटॉमिक फोर्स बात होगी, तो क्या आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज नहीं करेंगे? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करेंगे कि सर वो तो मोशन कर रहे हैं, फिर आप इस लगा, तो हम यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, रिलेटिव मोशन कितना होता है, जीरो हो जाता है। अगर आपको रिलेटिव मोशन के बारे में बातें पता है तो हम वहां पे इसको लगा सकेंगे, यानी कि कोई बोले न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स से, तो सेंट्रिपेटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स परफॉर्म द रोल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका रोल निभा रही है, इस कारण से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना कि ये आपके पास स्टैटिक चार्जेस के लिए आती है, ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज, इसलिए इसका नाम भी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे आपको इसकी छोटी छोटी बातें पता चल जाएंगी कि किस तरीके से आप इसका, तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल पोर्शन ओपन कर रहा है आपके इस चैप्टर के, हेडिंग आपके पास मिली हुई है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन का नाम सुनते ही जो थोड़े से भी एक्टिव थे मेंटली सब सुना हुआ नाम लग रहा है, कहा सुना था मैं आपको रिकॉल कर दूं, ये नाम आपने सुना था वेव वेव वाले चैप्टर के अंदर, जब आप वेव चैप्टर पढ़ रहे थे सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ा था, अपने स्टेशनरी वेव से अपने डिस्क्राइब की थी। और अगर आपको याद आ रहा है तो आप जानते हैं कि जब भी हमें वेक्टर्स को जोड़ना होता है तो हमें वेक्टर एडिशन करना होता है, और वेक्टर एडिशन के रूल को ही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, हम देखेंगे कि अगर किसी स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस एस्टेब्लिश किए गए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है और स्पेस के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, इस तरीके से Qn एंड डिफरेंट चार्जेस प्लेस किए हुए हैं, उनसे अलग अलग डिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, R4 एंड Rn। तो किसी ने अगर नेट फोर्स की बात की कि क्यू नॉट चार्ज पर नेट फोर्स कितनी होगी, तो इट इज अ वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट चार्जेस एक्टिंग एग्जर्टेड फोर्स ऑन अ
डू नॉट चार्ज। तो अपन को उसका एक्सप्रेशन निकालना है, मैं लैंग्वेज की कोई बात नहीं कर रहा, लैंग्वेज अपन सीधा बॉक्स पे देख लेंगे। तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा आपके पास, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन नेट चार्ज नॉट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू वन वेक्टर, फोर्स ऑन नॉट टू, फोर्स ऑन नॉट थ्री एंड सो ऑन नॉट एन। ओपन करना आपको आता है, इजीली कर सकते हैं हम लोग, के क्यू नॉट आर वन, ठीक है, आर नॉट वन का स्क्वायर, आर नॉट वन का कैप, के क्यू नॉट क्यू टू, आर नॉट टू स्क्वायर, आर नॉट टू कैप एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करके कर सकते हैं फॉरवर्ड आगे। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन को अलग से फोकस किया जाएगा। इस वीडियो के पास मैं कल से जो वीडियो बनेगा या जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका अपन पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे, सुपर पोजिशन अप टू द सुपर पोजिशन अच्छे से। मैं एक एग्जांपल आपके सामने सुपर पोजिशन का करवा रहा हूं, आप लोग सभी देखिए किस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं ये आपके पास एक स्क्वायर है, यहां पर क्यू चार्ज ए बी सी एंड डी, ए इसकी डॉक्टर बनना है वो ऑपरेशन करते समय तो हाथ कांपेंगे, न्यूमेरिकल करते समय तो कांपते ही, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ते रहो और ना थोड़ा डिस्प्ले करके निकल जाओगे, मुझे पता है इसलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिनको थोड़ा न्यूमेरिकल में ज्यादा अपना फोकस करना कर लेना, वो अपना न्यूमेरिकल वाली वीडियोस देख सकते हैं, और वरना उस पे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखा जाएगा, तो जो बच्चे स्किप करते हैं स्किप कर देना, ठीक। इस तरीके से आपके पास तो फोर्सेस किस प्रकार से लगे हैं इसके ऊपर, तो क्वेश्चन आ गया फाइंड द नेट फोर्स एट ऑन चार्ज है ए, चार्ज के ऊपर नेट फोर्स। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं इस तरीके से। सबसे पहले बी वाला चार्ज इस पर लगेगा, तो ये भी क्यों पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा, अट्रैक्शन होगी कुछ इस प्रकार से। ये वाला चार्ज इस वाले को रिपल्शन करेगा, तो ये भी पॉजिटिव लाइक लाइक रिपेल करते हैं, इंसान का ही अट्रैक्टर है। ये भी क्यों ये इसको ठीक है। तो इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन A due to C, force on A due to B। इस तरीके से आपके पास डायग्राम सेटअप हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं फोर्सेस की बातें करूं तो बोल सकते हैं फोर्स जो सबसे पहले A B की बात करूंगा तो फॉर्मूला होगा K Q Q upon दूरी, that is K square। डायरेक्शन की बात करूंगा तो ऐसे लिखते हैं V A cap, और सिंप्लीफाई करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी ए कैप। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन जो इसके कारण होती है वो सी ए कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स अगर मैं ए डी निकालूंगा तो मुझे के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर डायरेक्शन लिखूंगा डी ए, ठीक है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं सबके मैग्नीट्यूड एक जैसे हैं, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स ए बी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ए सी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ए डी का मैग्नीट्यूड, सबको मैं मान लेता हूं कितने के बराबर। जो फोर्स एडी और एबी है, फोर्स ए बी एंड फोर्स ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सब जो वेक्टर बोले गए हैं वो जानते हैं कि वेक्टर को जोड़ने का तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
cos theta theta जाएगा this is to vector तो resultant हो जाएगा उसे मैं नाम दे देता हूँ f mesh का formula बन जाएगा f square 2 f cos 90 degree cos 90 degree सबको पता है 0 खत्म हो गया 2f square which is equal to root 2f and जो इन दोनों का resultant आएगा वो f dash is in the direction of f ca वो ca की direction पे ही होगा तो जो final answer जो net answer आ रहा है वो दोनों का addition आ जाएगा यानी कि f plus root 2 f तो f 1 plus root 2 f की वैल्यू सब जानते हैं k q square a square force और 1 plus root 2 direction की जरूरी है तो direction हो जाएगी wrong c a f that is wrong sir ठीक है बाकी मैं इसमें देख लेंगे ठीक है बाय कैंड जो भी करना है